Hello dear students, this is Salma Aftab and welcome back to your chemistry classes by Sal. आज हम लोग अपने organic chemistry के second lecture में है, that is our haloalkane and haloarene. और last class में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, ठीक है. Today we will discuss the nomenclature and nature of CX bond, ठीक है. तो first of all come to the nomenclature, कि इसकी nomenclature कैसे की जाती है. Nomenclature करने का दो process है, that is our कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ठीक है. इसकी नेमिंग जो है हम एक कॉमन नेम से करेंगे एंड सेकेंड वन दैट इज योर IUPAC नेम से, ठीक है. देखो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइबल नेम, ठीक है. और इसकी हम नेमिंग करते हैं एल्किल हैलाइड से, ठीक है. एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में हम लोग का टू सेपरेट वर्ड होगा, ठीक है. एकदम जैसे हम नोट्स बनाए ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है, ताकि तुम लोगों को आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. और ऑर्गेनिक बहुत ट्रिकी है, अगर यहां क्योंकि ऑर्गेनिक देखो अब यहां से बेटा तुम लोग चाहे नीट के एग्जाम में IIT की प्रिपरेशन में, अब देखो मैं अलग से इसमें कुछ भी नहीं लिख रही हूं कि ये IIT नीट किसके लिए है, बट इट विल हेल्पफुल फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है. तो अब और दूसरी हम लोग की नॉमेनक्लेचर है जो IUPAC, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाला IUPAC नेम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पहले तो हम कॉमन नेम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. एल्किल हैलाइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम हम लोग करेंगे एल्किल हैलाइड से. क्यों, हेलो एल्केन जो है हम लोगों का हेलो क्या था, RXE तो था, RX यही है हम लोग का हेलो एल्केन, ठीक है. इसी को ये एल्किल पार्ट है एंड दिस वन इज योर हैलाइड पार्ट, ठीक है. दिस वन इज योर एल्किल पार्ट एंड दिस वन इज योर हैलाइड पार्ट. तो उसी से हम लोग का क्या नाम आ जाएगा, कॉमन नेम, ठीक है. अब कॉमन नेम में भी मेरे पास अगेन वी हैव थ्री सेपरेट ग्रुप्स, इसके तीन सेपरेशन फिर से हैं. कौन कौन से, कम टू फर्स्ट है दैट इज योर N प्रेफिक्स यूज करते हैं, N जो प्रेफिक्स है उसको हम लोग कौन से यूज करते हैं, N. सेकेंड है आइसो एंड थर्ड वन इज योर नियो, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. देखो पहले हम डायरेक्ट आ जाते हैं एक बड़ा सा हेडिंग लेकर, N किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है. N किसके लिए, बहुत सिंपल सा है, N वी यूज इन दैट कंपाउंड्स, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग चेन. एक लॉन्ग चेन, अनब्रांच एंड लॉन्ग चेन हम लोग की जहां पे होगी वहां पे हम लोग यूज करेंगे N प्रेफिक्स यूज करेंगे, ठीक है. तो यहां पे लिख लो, जस्ट नोट डाउन लॉन्ग एंड स्ट्रेट अनब्रांच चेन, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, अनब्रांच्ड चेन, ठीक है. अनब्रांच चेन होगी कौन कौन सी, इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल से एग्जाम्पल, कोई भी कुछ भी ले लो, सपोज ब्रांचिंग नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ स्ट्रेट चेन लेके जानी है. स्ट्रेट चेन में चलो CH3, CH2, CH2, चलो यहां पे BR लगा दिया, हो गया. तो नॉमेनक्लेचर इसकी कैसे करनी है, एल्किल हैलाइड के फॉर्म में करनी है, ये इस पे ध्यान दो, ठीक है. एल्किल हैलाइड के फॉर्म में करनी है, तो क्या है उसका नेम हो जाएगा, नेम क्या होगा इसका, एल्किल, कितने एल्किल ग्रुप है, 1, 2, 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 कार्बन आइटम के लिए वी यूज प्रोप, और ये एल्किल ग्रुप है तो हम लोगों का क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिल. और क्योंकि ये प्रेफिक्स यूज करना है हम लोग का, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है, एक स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच चेन है, तो N प्रोपिल और क्या है यहां पे, ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है. अच्छा एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं, इस तरीके से दे दिया, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली आती है तुम्हें करने यहां पे. अब यहां पे सपोज लगा दिया क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, क्लोरीन. इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले ये पहले चेक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेलो एल्केन में कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, तो यहां देखो 1, 2, ये यहाँ कॉर्नर एकदम बिल्कुल यहाँ मिडिल में, ठीक है, सेंटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहां से तो क्लोरीन अटैच है, तो इट मीन्स 7 फॉर 7, और हमें स्ट्रेट चेन दिख रही है, तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या हो जाएगा, पहले N, और 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 कार्बन आइटम के लिए हेप्ट, क्योंकि ये एल्किल में करना है, इल लगाना है, हेप्टिल क्लोराइड, ये हो गया हम लोग का नॉमेनक्लेचर फॉर द N प्रेफिक्स, हो गया N प्रेफिक्स के लिए। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज आइसो। आइसो हमेशा देखा होगा अपने बुक में, बहुत यूज होता है आइसो न्यू, बहुत ज्यादा यूज होता है, वो कॉमन नेम है, ठीक है, आइसो जहां पे यूज होता है दैट इज योर कॉमन नेम आइसो, वेयर वी जस्ट यूज आइसो। यहां पे क्या होगा, आइसो में एक्चुअली में इट हैविंग टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स होंगे एटलीस्ट, टू कार्बन एटम्स हैविंग कार्बन एटम शुड बी ऑफ सेम ग्रुप, एक कार्बन एटम से सेम ग्रुप, एक कार्बन एटम से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये सब क्या है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। अब किसी से अगर कोई कार्बन एटम से एक तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो एटलीस्ट दोनों साइड सेम ही दो कार्बन एटम अटैच हो, दो कार्बन एटम अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड में हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉमन नेम वी विल यूज आइसो। आइसो चलो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में आ जाएगा, सपोज देखो अगर ये कार्बन है, इस पे हमने लगा दिया अपना फंक्शनल ग्रुप दैट इज योर क्लोरीन, और इसके साथ कह रहे कि दो कार्बन एटम दोनों के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हो गया CH3, यहां पे हो गया CH3, चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग कैसे करनी है हम लोग को, एल्किल हैलाइड, लेकिन यहां पे यूज करेंगे प्रेफिक्स आइसो, तो क्या हो गया, ये देखो इस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप लगा उसके साथ दो कार्बन एटम अटैच है, दो कार्बन एटम अटैच है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा, आइसो आइसो, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम इज प्रेजेंट टोटल ओवरऑल, 1, 2, 3, तो तीन कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपिल आइसो प्रोपिल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज आवर क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड क्लोराइड। देखो क्लियर हो रहा है सारी चीजें, इसको अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ नियो कहां यूज करेंगे, नियो प्रेफिक्स कहां पे यूज करेंगे, नियो हम जैसे सपोज एक कार्बन एटम पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी तीनों साइड से क्या होगा, कार्बन एटम अटैच होगा, ठीक है, तो ये होगा ओवरऑल, वहां पे हम लोग यूज करेंगे नियो, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच चेन, टू ब्रांच चेन, अभी एग्जांपल देखोगे ना तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, टू ब्रांच चेन एट द सेम कार्बन एटम, एट द सेम कार्बन एटम, ठीक है, या एक पॉइंट और लिख दो, और एटलीस्ट और एंड एटलीस्ट एंड एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम हैविंग ऑफ सेम ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप का ही अटैच होना चाहिए, ठीक है, सेम ग्रुप। सपोज अगर हमने लिखा है ऐसे कुछ, ये कार्बन है मेरा, इधर से एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए R, इधर से एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए R, और इधर से भी एल्किल ग्रुप R लगा होना चाहिए, और यहां मेरा हो गया ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, इसी के बेसिस पे हम लोग सारी वो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो एक फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ और तीनों तरफ कार्बन एटम है और
कार्बन एटम अटैच है, तो इस तरीके में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेफिक्स यूज करेंगे और इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे विथ नियो। ठीक है, चलो लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल बिना देखे समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो CH3 CH2 Br। अच्छा, क्या ये एग्जांपल हो सकता है? हो सकता है ना, ये भी एग्जांपल। ये किस में आ जाएगा? नियो में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन एटम से अटैच है, ये वाले एल्किल ग्रुप से अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ, और इसके साथ देखो इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है। ये केस है, इसके कई सारे केसेस है देखो। तो इसको हम एग्जांपल, ये होगा हम लोगों का नियो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर करो जरा। नियो तो दिख रहा है, ठीक है, नियो हो गया। उसके बाद में कितनी कार्बन एटम है? सिंपल, हमें एल्किल हैलाइड में नोमेनक्लेचर इसी करनी है, एल्किल हैलाइड में। तो एल्किल में हमें कुछ नहीं, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करेंगे। तो टोटल कार्बन एटम इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम वी आर हैविंग। तो 5 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट, क्योंकि एल्किल है तो पेंटिल, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। क्लियर? नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, हो गया यहां तक। तो हम लोगों को ये तीनों प्रेफिक्स हम लोग समझ लिए, अच्छे से कर लिए। ठीक है, कौन कौन सा? एन आइसो नियो। ठीक है, अब उसके बाद में अभी लॉन्ग पे हमने करना ही नहीं है, अभी आईयूपीएसी में अभी नहीं आते। ठीक है, अभी आईयूसी के पहले अभी कई सारे और केसेस हैं। ठीक है, नाउ सो मूव फॉरवर्ड और हम लोग आते हैं कुछ डिफरेंट केसेस। ये तो प्राइमरी हमें दिख रहा है, अभी कुछ और केसेस करेंगे, दैट इज फॉर योर सेकेंडरी केस। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंडरी केसेस के लिए, सेकेंडरी कार्बन एटम के लिए। सेकेंडरी ऐसे लिखते थे, सॉरी यार 20 लिख दिया, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा था, याद होगा? हमने क्लासिफिकेशन में बताया था सेकेंडरी कार्बन एटम, जहां पर फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच है जिस कार्बन एटम से एटलीस्ट 2 एल्किल ग्रुप फिर से अटैच है, ऐसे कार्बन एटम को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, ये याद है, व्हेन 2 एल्किल ग्रुप इज अटैच, एल्किल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन, ये जो जितने भी है हैलाइड के जितने भी है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, दे ऑल आर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो उस जिससे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे हम लोग के पास क्या अटैच है? 2 एल्किल ग्रुप। चलो अब एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, आसानी से सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CCH3 Cl और यहां पे H, तो आ रहा है ये हम लोग का, इसका क्या बनेगा? देखो सेकेंडरी है ना, ये क्लोरीन जिस कार्बन से एटम से अटैच है उससे क्या है? 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, इट मींस इट इज योर सेकेंडरी कार्बन एटम। यही तो है सेकेंडरी कार्बन एटम, है ना? तो नाम इसका क्या करेंगे? दोनों नाम देखो इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज देखो, ये आइसो दिख रहा है, आइसो इससे 2 जुड़ा हुआ है, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हम लोग आइसो से भी करेंगे। ठीक है, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो इसीलिए हमने ये केस लिया, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। और दूसरा नेम हो जाएगा, दूसरा नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी का ये शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंडरी प्रोपिल, क्योंकि एल्किल हैलाइड से करना है, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, है ना? इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें बेटा नोमेनक्लेचर में बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, कई सारे प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखो CH3 है यहाँ पे इस कार्बन एटम पे, यहाँ पे H, यहाँ पे क्लोरीन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ पे एक और हम लगा देते हैं CH2 CH3,
तो ये भी तो दिख रहा है सेकेंडरी, क्योंकि इस क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच है वहां से दो एल्किल ग्रुप अटैच है। तो फिर से इसके, और ये देखो आइसो की कंडीशन दिख रही है, आइसो की कंडीशन भी दिख रही है, तो ठीक है। तो इसकी नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, अगर आइसो हम लिख देंगे तो वही हो जाएगा आइसो 1, 2, 3, 4 आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, एक नोमेनक्लेचर हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, होगा ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। बेटा यहां पे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड क्यों होगा ये बताओ, यहां पे ये नहीं होगा बिकॉज फंक्शनल ग्रुप दोनों कार्बन एटम पे सेम ग्रुप होना चाहिए, दैट्स तभी वहां पे आइसो होगा। तो आइसो की कंडीशन सिर्फ एक ही फॉलो करेगा ये वाला, बस ये सब नहीं फॉलो करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, दैट इज योर, देखो ये क्या है सेकेंडरी ग्रुप दिख रहा है, क्योंकि ये क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच है यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, एक CH3 का और एक C3H7 का दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों एल्किल ग्रुप है, अब इस एल्किल ग्रुप में देखो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, तो तीन यहां एक ये चार एक पांच है, तो हो गया सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड ये हो गया। नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम के एग्जांपल में आ जाते हैं। टर्शियरी कार्बन एटम, डेफिनेशन तो पता ही होगा, व्हेन कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में लिखा है, इज ऑल्सो अटैच टू थ्री एल्किल ग्रुप, यहां पे क्योंकि थ्री एल्किल ग्रुप से अगर वो अटैच है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हो वही कार्बन एटम अगर तीन एल्किल ग्रुप से अटैच है देन इट विल बी टर्शियरी कार्बन एटम। अब टर्शियरी कार्बन एटम की नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, पहला तो वो एक और एक कंडीशन आ जाएगी CH3 यहां पे भी CH3 और यहां पे सपोज आयोडीन लगा दिया, CH3, CH2। ना चलो अब इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं। ये कार्बन एटम, अच्छा एक नियो की केस दिख रही है, तीन कार्बन एटम पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, ये तीन कार्बन एटम, तो पहला केस हमें नियो भी दिख रहा है, तो नियो कितने कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट और एल्किल है, तो नियो ब्यूटिल आयोडाइड, और एक और नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड। इसकी नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगी, ये कार्बन एटम इधर भी एल्किल ग्रुप से अटैच है, इधर भी एल्किल ग्रुप से अटैच है, इधर भी एल्किल ग्रुप से अटैच है, ये हो जाएगा टर्शियरी, टोटल कार्बन एटम कितना है टर्शियरी पेंटिल आयोडाइड, क्लियर, यहां तक हो गया। नाउ कम टू द IUPAC नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ये है, और इनके थ्रू ही जो हम लोग को नोमेनक्लेचर दिया गया है दैट इज योर, अगर शॉर्ट में लिखें RX है, ठीक है। देखो कॉमन नेम को हम CN से डिनोट कर देते हैं और IUPAC नेम को
आई एन से, क्योंकि हमें अब दोनों सीखना है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो कॉमन नेम को हम किससे करते हैं, एल्किल, एल्किल हैलाइड से, और आईपीएसी नेम एक तरह से हेलो एल्केन बनाता है, हेलो एल्केन से। एक्चुअली में हेलो एल्केन में हमें पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसकी जो आईपीएसी नेम हम लोग सीखे हैं पहले भी 11th क्लास में, उसी रूल को फॉलो करते हुए, मतलब कि काउंट द नंबर ऑफ, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 3, 2। अब देखो आ जाओ हम लोग आईपीएसी नेम को सीखने चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो CH3CH2Cl, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम समझ गए होगे अब तक, एल्किल हैलाइड से करना है, तो ये हो गया एल्किल ग्रुप और ये हो गया हैलाइड ग्रुप। तो एल्किल कितना है, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इसकी हो जाएगी कॉमन नेम, और आई एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो आईपीएसी नेम को, ठीक है। तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन, और उसके पूरे ओवरऑल जो उसका मेथड है, जो क्राइटेरिया है, वी विल फॉलो। पहले नंबर काउंटिंग करेंगे उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसके बाद में, और क्लोरो को एज ए प्रेफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। हेलोजन एटम को वी यूज एज अ प्रेफिक्स, तो हो गया क्या, क्लोरो इथेन। क्यों, क्योंकि ये दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए वी यूज एन। ये सब तो याद है ना, कुछ याद है 11th में, एन इन आइन किसके लिए, सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इथ प्रॉप, ये सारी चीजें। नाउ कम टू द थर्ड, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, जरा बताओ। कॉमन नेम ये आईसो दिख रहा है, आइसो, आइसो, और क्या हो जाएगा ये, प्रोपिल, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, दिस विल बी योर कॉमन नेम। और आईपीएसी नेम क्या बताएगा, आईपीएसी नेम यहां पे नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग चाहे इस साइड से नंबरिंग करो, चाहे इस साइड से नंबर करो, नंबरिंग करो, बात एक ही है, ठीक है। तो सेकेंड पे आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि प्रेफिक्स ऐसे यूज करेंगे, तो टू क्लोरो कितनी कार्बन एटम है, वी हैव 3 कार्बन एटम, तो 2 क्लोरो 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन। क्लियर, ये एग्जांपल हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, ऐसे एग्जांपल हम लेते चलेंगे ताकि दोनों क्लियर होता जाए साथ साथ में, कि आईपीएसी नेम कैसे यूज करेंगे और हम लोग कॉमन नेम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। CH3 एक और साथ में लिख लें, फोर्थ वन डेट इज योर CH2, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो चलो, और यहाँ पे हो गया हम लोग का CH3। आ जाओ कम टू द कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, यहाँ पे भी कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, देखो आइसो है, ये आइसो वही है, आइसो आइसो 1, 2, 3, 4 आइसो प्रोपिल कॉमन नेम क्लोराइड, ओहो आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ये हो गया। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, आईपीएसी नेम, अगर ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर है तो नंबरिंग क्या हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, किधर से करेंगे, ये चीज भी याद रखना। अगर फंक्शनल ग्रुप इधर से है तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे, ताकि उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, लिस्ट होगी, मार्किंग लिस्ट होगी। तो या देखो यहाँ पे, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कितने पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1 पे क्लोरो है और 2nd पे मिथाइल है, ठीक, ये दो चीज है, 1 पे क्लोरो है और 2nd पे मिथाइल है, तो किसको पहले लिखेंगे, रूल रेगुलेशन याद है, क्योंकि क्लोरो जो है दोनों हम लोग का क्या रहा है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में है, क्लोरो भी और मिथाइल भी, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे तो सी पहले आता है, ठीक है, उसके बाद में एम आता है मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और कितने कार्बन एटम है, एक स्ट्रेट चेन में अगर हम देखेंगे तो कितना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ये हो गया
प्रोपेन, प्रोपेन, क्लियर है? ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी? इसकी कॉमन नेम आइसो से नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इधर CH3 है, इधर CH2 नहीं है, इसकी आईपीएससी नेम पे आ जाते हैं। आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा इसका, काउंटिंग करो, ये है फंक्शनल ग्रुप, हम CH3 या ब्रोमीन दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ब्रोमीन को, हैलोजन एटम को प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो, 3rd पे मिथाइल और ब्यूटेन हो गया। 1 ब्रोमो आईपी का वो इसका कॉमन नेम नहीं, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल और 4 कार्बन एटम है, तो हम लोग करेंगे यूज, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इधर का मत ले अगर CH3, CH2, Cl ये हो गया, ठीक है। अब इसकी देखो, जरा देखो है क्या ये, ऐसे अगर हमें दिखेगा तो ये क्या है, इसकी हम आईपीएससी नेम करते हैं, ठीक है। आईपीएससी नेम इसका क्या बन जाएगा, ये नॉमेनक्लेचर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप यहां पे है 1, 2 और ये हो गया 3। चाहे जिधर से भी करेंगे हमें मिलेगा 3 ही कार्बन एटम, चाहे जिधर से करेंगे हमें मिलेगा 3 कार्बन एटम की चेन बनेगी, चाहे इधर से चाहे इधर से, लेकिन हम लेना इधर इस साइड से लेंगे, क्योंकि यहीं पे क्या है हम लोगों का, अगर यहां से इधर से भी जाएंगे तो भी सेम बात होगी, ठीक है, सेम ही बात पड़ेगी, चाहे इधर से काउंट कर लो 1, 2, 3 या इधर से काउंट कर लो 1, 2, 3, लेकिन लेके इधर से चलना है, क्योंकि क्लोरीन जो है वही है हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप। तो 3 कार्बन एटम की चेन हमें दिख रही है, तो फर्स्ट पे तो क्लोरो दिख रहा है, 1 क्लोरो। अब 2 पे देखो क्या है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1 क्लोरो, 2 डाइमिथाइल, 2 के लिए 2 बार यूज हुआ है तो डाई हो गया डाइमिथाइल, और कितनी कार्बन एटम की चेन बन रही है, 3, तो 3 के लिए क्या हो गया, प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो, ये कंपाउंड हम लोगों का है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टर्शरी दिख रहा है, टर्शरी दिख रहा है, ब्रोमीन जिससे अटैच है उसका 3 एल्किल ग्रुप दिख रहा है, तो टर्शरी कितना हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब आ जाते हैं इसके आईपीएससी नेम, नॉमेनक्लेचर अगर हम जिधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे, जिसपे की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी तो 3 ही कार्बन एटम की बनेगी, तो हम इसको मान लेते 1, 2 और 3। तो देखो 2 पे ब्रोमीन एटम भी लगा हुआ है और 2 पे एक एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, 2 पे ही, और टोटल हम लोग की ये 3 कार्बन एटम की चेन है। तो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे तो ब्रोमीन या मिथाइल, यही है दोनों पे, तो हम लोग पहले ब्रोमीन लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, प्रोप, 3 कार्बन एटम है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, प्रोपीन, ठीक। नाउ कम टू द हेलोएरीन, हेलोएरीन का भी हम लोगों को सीखना है, हेलोएरीन को भी वैसे ही हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, एक कॉमन नेम से और दूसरा आईपीएससी नेम से। आईपीएससी नेम वही रूल फॉलो करेंगे जो हम लोग अपना नॉमेनक्लेचर में फॉलो करते हैं, फॉलो बाय आईपीएससी, ठीक है, कार्बन एटम की काउंटिंग करके, ठीक है, कार्बन एटम को हम लोग क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे, जो भी ओवरऑल उसका रूल है, ठीक है।
और कॉमन नेम में बेंजीन की रिंग अगर है, सपोज बेंजीन की रिंग है, ठीक है, बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग पे अगर एक कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी इज योर ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर पहला पोजिशन है डेट इज योर ऑर्थो, ठीक है, ये याद रखो, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थो, उसके बाद में जो ग्रुप है दैट इज योर मेटा, मेटा एंड देन पी इज योर पैरा, क्लियर, ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो गया तीन ग्रुप, ऑर्थो मेटा पैरा। इस साइड से भी हम वैसे ही देख लेंगे, फर्स्ट पोजीशन इज योर ऑर्थो पोजीशन, सेकंड पोजीशन इज योर मेटा, और ये जो इसके जस्ट सामने में पोजीशन बन रही है दैट इज योर पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो जाएगा कॉमन नेम। चलो एग्जांपल देखते हैं, और ये आईपीएससी नेम जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही करना है हम लोग, जो कि आईपीएससी 11th में सीखा है, ठीक है, और नहीं सीखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं। चलो अब एग्जांपल पे आ जाते हैं, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल चलो ले लेते हैं, इट इज योर, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ठीक है, ये देखो ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग को जब हम लोग बीच में ये गोला गोला बना देते हैं, दो तरीके से बनाते हैं बेंजीन को, एक ये एक ये, ये बनाने का मतलब है कि इट इज इन द रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, ये रेजोनेंस कंडीशन में है दोनों बेंजीन, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा चलो कॉमन नेम इसका देख लेते हैं, व्हाट विल बी द कॉमन नेम एंड व्हाट विल बी द आईपीएससी नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एल्किल हैलाइड की तरह लिखते हैं, और यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा की कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कुछ भी नहीं अटैच है, तो ऑर्थो मेटा पैरा कुछ होगा ही नहीं, तो बनेगा इसका क्लोरो बेंजीन, और आईपीएससी नेम भी हो जाएगा हम लोग का, कॉमन नेम हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड से बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, और आईपीएससी नेम इसका है हम लोगों का, आईपीएससी नेम हो जाएगा क्लोरो क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। हालांकि इन दोनों का आईपीएससी नेम और कॉमन नेम दोनों सेम ही पड़ जाता है क्लोरो बेंजीन, क्योंकि इसको आईपीएससी ने इसको मान लिया है कि इसका ट्रेंडी नेम जो है दैट इज योर क्लोरो बेंजीन, ठीक है, तो कॉमन नेम कुछ भी नहीं, कॉमन नेम जो ट्रेंड में जो नेम है उसका, ठीक है, नॉर्मल जो इसको यूज करते हैं हर जगह उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो उस पे आ जाते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा वाले एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव दिस एग्जांपल और यहां पे लगा है क्लोरीन और उसके रेस्पेक्ट में हमने लगा दिया है यहां पे भी क्लोरीन, अब इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम पे आ जाते हैं, ठीक है, सीएन और आईएन, तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन ऑर्थो है ये पोजीशन मेटा है, इसके रिस्पेक्ट में, चाहे इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे, हम सीधा सीधा देखते हैं क्यों उल्टा देखें, तो इधर से देखेंगे ये पोजीशन जहां पे लगी हुई है, यहां पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, इसके पोजीशन में फर्स्ट वाली पोजीशन क्या थी, ऑर्थो थी, इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड वाली पोजीशन क्या थी, मेटा थी, तो हो जाएगा मेटा, मेटा हो गया, कितनी क्लोरीन लगी हुई है, दो क्लोरीन लगी हुई है, तो दो क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो, क्या है ये ओवरऑल बेंजीन हो गया, ये हम लोग का कॉमन नेम। आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम में हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर फर्स्ट पोजीशन दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अब इसकी नेमिंग कर दो, वन थ्री, वन थ्री कितने डाइक्लोरो, ऑब्वियस ही बात है कि दो है डाइक्लोरो और है क्या बेंजीन, ठीक बेंजीन, नोट डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नाउ देखो ये एग्जांपल है, यहां पे हम इसका आईपीएससी नेम और कॉमन नेम दोनों देखेंगे, तो देखो जरा क्या है ये, इसे कॉमन नेम क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बनेगा, क्योंकि ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ऑर्थो ऑर्थो ब्रोमो ब्रोमो और ये पूरा पूरा कंपाउंड होता है टॉलवीन, ऑर्थो ब्रोमो टॉलवीन, ठीक है, आईपीएससी नेम टू ब्रोमो टॉलवीन,
कम टू द नेक्स्ट, ये देखो जरा इसका कॉमन नेम क्या बनेगा और आईपीसी नेम क्या बनेगा। कॉमन नेम इसका बनेगा देखो तीन जगह पे, इसके रिस्पेक्ट में भी वही, ब्रोमीन इसके रिस्पेक्ट में भी वही है, इसके रिस्पेक्ट में भी वही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन की जो पोजीशन है वो सेम है, तो सेम होने की वजह से हम लोग यूज करेंगे टर्म सिन, और कितनी है तीन, यानी कि सिन ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। और आईपीएसी नेम क्या होगा, अगर ये वन है तो टू के जगह पे, फिर ये थ्री है, फोर फिर जगह पे ये फाइव, तो वन थ्री फाइव ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक, ये हो गया हम लोग का नॉमेनक्लेचर। नाउ कम टू द एक जो और कंडीशन बाकी है कि अगर अभी तक तो एक हैलोजन एटम का देखा है, ठीक है, कम टू द दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हैविंग टू हैलोजन एटम, जिसके पास दो हैलोजन एटम लगा हुआ है। एक केस ये होगा कि एक सेम कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम लगा हुआ है, या दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम लगा हुआ है, ठीक है, ये केसेस हो गई। तो अगर सेम पे लगा हुआ है तो याद है इसके हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे थे, जेमिनल से इसको करेंगे जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड से, ठीक है। और ये क्या था इसका कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, ठीक है, और इसका कॉमन नेम बनेगा हम लोग का विसिनल, ठीक है, याद है ना, ये विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और इसकी जो नेमिंग करेंगे, नेमिंग ये याद रख लो, इसकी जो नेमिंग करेंगे एल्काइलीडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइलीडीन हैलाइड, एल्काइलीडीन हैलाइड, और इसको करेंगे एल्काइलीन, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, एल्काइलीन डाइहैलाइड। देखो कहां पे डिफरेंस है, देखो डिफरेंस यहां पे है, एल्काइलीडीन में डीन यहां लगा हुआ है, ये देखो इस पहले वाले वर्ड में, दोनों पे हैलो, और यहां पे हैलाइड लिखा हुआ है, डाइहैलाइड नहीं लिखा हुआ, यहां पे हैलाइड लिखा हुआ है, और यहां पे क्या कर दिया है, डाई यहां कर दिया है, ठीक है, यहां पे लीन ही रहने दिया है, एल्काइलीडीन हैलाइड, तो ये हो गया एल्काइलीन डाइहैलाइड, ठीक है, इतना डिफरेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और जल्दी से फटाफट ये चैप्टर को हम लोग यहाँ पे आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, करवाना और था लेकिन हो गया है ये लेंदी तो हम आगे नहीं करवाएंगे। CH2 इधर हो गया CL, इधर हो गया CL, ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी साथ में लिख लेते हैं सो डेट जल्दी जल्दी काम हो जाए हम लोगों का, CH और ये CL, ये CL, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका कॉमन नेम और इसका आईपीएससी नेम, कॉमन नेम जरा देखो क्या हो जाएगा और आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या बनेगा इसका, कॉमन नेम हम लोग का बन जाएगा, ये नंबरिंग हो जाएगी, अभी नंबरिंग हम बाद में करते हैं। तीन कार्बन एटम है प्रोपिल, तो क्या लिखेंगे हम, ये एडजेसेंट कार्बन एटम पे है तो ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे तो क्या है, तीन कार्बन एटम है, वन टू थ्री, तो हो जाएगा प्रोपाइलीन, होगा प्रोपाइलीन, और क्या लगेगा डाइहैलाइड, प्रोपाइलीन डाइहैलाइड, तो हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड है, तो डाई क्लोराइड, ठीक। और आईपीएससी नेम नंबरिंग करके करेंगे, हमेशा याद रखना आईपीएससी नेम को नंबरिंग करके, तो वन टू डाई क्लोरो, वन टू डाई क्लोरो, वन टू डाई क्लोरो, तीन कार्बन एटम प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो एन, हो गया। इसको देखो जरा, ये किसको फॉलो कर रहा है, इस वाले को, यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड को, जेमिनल डाइहैलाइड में एल्काइलीडीन हैलाइड करते हैं तो कितना, कौन सी एल्किल ग्रुप है, इथाइल है, एक दो, तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इथाइलीडीन होगा, इथाइलीडीन, ठीक है, इथाइलीडीन, और क्या है, इथाइलीडीन सिर्फ हैलाइड लगा हुआ है यहां पे, तो यानी कि क्लोराइड, ठीक है। और आईपीएससी नेम क्या बन जाएगा, हमें पता है कि हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग में क्या हो जाएगा, वन वन पे दो बार क्लोरीन है तो वन वन डाई क्लोरो, वन वन डाई क्लोरो होगा, वन वन डाई क्लोरो, और कितने कार्बन एटम है, दो, तो वन वन डाई क्लोरो इथ, और दो सिंगल बॉन्ड है तो एन।
सो ओवरऑल आज हम यहीं पे चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, अपने लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ CX बॉन्ड. ठीक है, और इसको टिल देन अच्छे से रिवाइज करो. स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय.